हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं जनवरी के तीसरे हफ्ते के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें ये वीडियो काफ़ी आपको लाभप्रद होगा। हालांकि मैं कुछ समय से शहर के बाहर था इसलिए वीडियो समय पर आप तक नहीं ला पाया, लेकिन इसका PDF ऑलरेडी मैंने वेबसाइट पर डलवा दिया था जिसमें एक्सप्लेनेशन भी थे, जिससे वो छात्र जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए अपीयर हुए थे उनको कोई दिक्कत ना आए। और आपके मुझे कमेंट्स मिले, आप में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जो इमेजेस हैं वो वीडियो के अंदर आए, तो अब क्वेश्चंस के अंदर इमेजेस भी जहां पर एप्लीकेबल हो प्रोवाइड की जाएंगी। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये URL आपको टाइप करना होगा www.facebook.com/gauravgargeducation। और हमारे जो पेन ड्राइव कोर्सेज हैं वो अब बहुत सारे कोर्सेज के लिए उपलब्ध हैं, जैसे रेलवेज, SSC CGL। खासकर अगर आप SSC CGL 2017 को दिमाग में रख के तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको काफ़ी यूजफुल होंगे। ना सिर्फ SSC CGL बल्कि रेलवेज के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी होंगे। सारे पेन ड्राइव अपडेट कर दिए गए हैं, इनमें लेटेस्ट सिलेबस आपको मिलेगा। इसके अलावा दो वीडियोस हर हफ्ते आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी तरफ से, जो हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें देख सिर्फ वही पाएगा जो पेन ड्राइव यूज़ करता होगा। और 9580048004 पर आपको कॉल करना है अगर आप कोई भी पेन ड्राइव अवेल करना चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। IT डिपार्टमेंट के रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से बैंक्स को कितने रुपए तक का डिपॉजिट किसी भी अकाउंट में उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अगर विमुद्रीकरण के बाद, तो 8 नवंबर को हुआ था विमुद्रीकरण, और 9 नवंबर के बाद अगर किसी भी बैंक में 30 दिसंबर तक 10 लाख रुपए से ज़्यादा हैं तो उसकी रिपोर्ट जो बैंक है उन्हें देनी पड़ेगी, यानी आंसर है 10 लाख। इतना ही नहीं, अगर आपके बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की सिंगल ट्रांजेक्शन है, यानी कोई भी एक ट्रांजेक्शन या तो आपके बैंक में 2.5 लाख आया या गया, ये है विमुद्रीकरण के बाद, तो उसकी रिपोर्ट भी बैंक्स को देनी पड़ेगी। इसके अलावा दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। IT बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को। तो IT डिपार्टमेंट के हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनका नाम है रविशंकर प्रसाद, और वो हमारे लॉ एंड जस्टिस के यानी कानून मंत्री भी हैं। और रविशंकर प्रसाद ने एक अनाउंसमेंट भी किया था कि भारत नेट जीरो इंपोर्ट्स इन IT, यानी IT से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आयात ना करे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए 2020 तक। यानी नेट जीरो इंपोर्ट्स के लिए जो गोल है, जो डेडलाइन है, वो 2020 रखी गई है। इसका मतलब हम आयात करेंगे और निर्यात करेंगे, लेकिन जो नेट जीरो इंपोर्ट होंगे यानी कि हम आयात निर्यात से ज़्यादा नहीं करेंगे। इनमें से कौन से राज्य की असेंबली ने, यानी कि विधानसभा ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी वापसी के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, यानी कि ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कश्मीरी पंडित आसानी से वापस आ सकें और दूसरे माइनॉरिटीज़ भी आ सकें। तो आप जानते हैं कि जो कश्मीरी पंडित का एग्जोडस हुआ था 27 साल पहले, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस थे। कहने का मतलब, जो कश्मीरी पंडित थे उनको वहाँ से खदेड़ कर निकाला गया था, और इस पर बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल ये इशू है। जम्मू कश्मीर में ये हुआ था, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये डिसीजन लिया कि कश्मीरी पंडित की वापसी होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कदम उठाए। इनमें से कौन से कंट्री को चाइना ने 2 जहाज दिए हैं जिससे वो अपने ग्वादर बंदरगाह को सुरक्षित कर सके। आप जानते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, यानी कि ग्वादर से लेके वेस्टर्न चाइना यानी जिनजियांग प्रोविंस तक एक सड़क बनेगी, और जो वेस्टर्न प्रोविंस है चाइना का वहां पे सड़क बनेगी, और ग्वादर से ये जाएगा पाकिस्तान होकर पूरा जाएगा, पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके ट्रेवर्स करके, इससे जो रूट है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। और चाइना का ये स्ट्रेटेजिक एसेट है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो ग्वादर बंदरगाह, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। और जो 2 शिप हैं इनके नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो एक का नाम है हिंगोल और दूसरे का नाम है बाजोल। बाजोल और हिंगोल नाम के 2 जहाज चाइना देगा पाकिस्तान को। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने डिजिटल डाकिया नाम की एक स्कीम स्टार्ट करी है। डिजिटल डाकिया बोलते हैं पोस्टमैन को, जो आपकी डाक लेके आता है, और ये स्कीम स्टार्ट की है मध्य प्रदेश ने, जहाँ पे शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस तरह की ये पहली स्कीम है। इसको लॉन्च किया हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मध्य प्रदेश के जयंत मालिया ने। इनमें से कौन सा शहर है जहां पर डिजिटल डाकिया स्कीम लॉन्च की गई, यह है बिल्कुल मिलता जुलता अगला सवाल। तो यह स्कीम लॉन्च की गई इंदौर के अंदर, इंदौर। इनमें से कौन सी क्रिकेट टीम है जिन्होंने रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने इतिहास में इन्होंने पहली बार रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है।
इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई इस टीम के खिलाड़ी पार्थिव पटेल ने, जिन्होंने शानदार पारी खेली और टीम को जितवाया। और ये जो फाइनल है, आपसे पूछ सकते हैं कहां पर खेला गया था, ये खेला गया था होलकर स्टेडियम के अंदर। और ये जो रणजी ट्रॉफी है, इसका ये 83वां अध्याय था, यानी 83rd टाइम रणजी ट्रॉफी खेली गई। मुंबई को इन्होंने फाइनल में हराया, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये जीता गुजरात ने, और अगर खिलाड़ी पूछें तो पार्थिव पटेल ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया। होलकर स्टेडियम जो कि इंदौर के अंदर है, वहां पर यह फाइनल मध्य प्रदेश में खेला गया। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे पहला अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें शांति वार्ता की गई इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसराइल की राजधानी है जेरूसलम, और इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो हिस्टोरिकल एनमिटी है, दुश्मनी है, शत्रुता है, उस पर एक वीडियो आप हमारा देख सकते हैं जो डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर ने बनाया है, इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। और इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में शांति वार्ता आयोजित की गई फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर, और इसमें लगभग 70 देशों ने हिस्सा लिया। इनमें से कौन से शहर में एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन जिसका नाम है खेलो इंडिया, ये आयोजित किया गया, और खेलो इंडिया को आयोजित किया गया राजधानी नई दिल्ली के अंदर। और अगला क्वेश्चन है कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया, इसकी जो आधारशिला है वो किसने रखी, तो ये रखी हमारे जो खेल मंत्री हैं, यानी यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि जो स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, इनका नाम है विजय गोयल। तो ये विजय गोयल हैं, पीयूष गोयल तो हमारे बिजली मंत्री हैं, तो ये आपको याद रखना है, विजय गोयल इज़ द आंसर। तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। इनमें से कौन सा भारत का मंत्रालय है जिसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है SEZ इंडिया, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इनिशिएटिव है यानी डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप किया जाएगा, उसकी सूचना इस ऐप पर प्रोवाइड की जाएगी। तो कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शॉर्ट में बोलते हैं MOCI। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा मोबाइल ऐप है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, इनका नाम है ओ पनीर सेल्वम, और ये तमिलनाडु के AIADMK पार्टी की के मुख्यमंत्री हैं, जिसकी जयललिता जी का निधन हो गया, उसके बाद ओ पनीर सेल्वम बने यहाँ के मुख्यमंत्री। और तमिलनाडु के AIADMK की जो जनरल सेक्रेटरी बनी, वो बनी शशिकला। तो ये तीन क्वेश्चन तमिलनाडु से जरूर आएंगे। तमिलनाडु का एक खेल भी है जो बहुत न्यूज़ में आ रहा है, जिसको बोलते हैं जलीकट्टू। जलीकट्टू नाम का खेल है जो तमिलनाडु का खेल है, तो ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये भी एक बर्निंग इशू है। और ये मोबाइल ऐप जो तमिलनाडु में लॉन्च की गई, इसका नाम है पिनाकिन। इनमें से कौन सा देश है जहां पे फेसबुक कुछ ऐसे नए उपकरण इंट्रोड्यूस कर रहा है जो फेक न्यूज़, यानी कि जो बोगस न्यूज़ होती है, जो सच नहीं होती, ऐसी न्यूज़ इंटरनेट पर अक्सर वायरल हो जाती है, फैल जाती है, उसको रोकने के लिए फेसबुक नए टूल्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। इनमें से कौन से देश के अंदर ये डिसीजन फेसबुक ने लिया, जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर ये लॉन्च कर रहा है। और जो फेसबुक है, आपको याद रखना है, इसके जो CEO हैं, उनका नाम है मार्क जकरबर्ग। ये स्टैटिक बिजनेस जी के हैं मार्क जकरबर्ग, और इनकी पत्नी का नाम है प्रिसिला, जो कि चाइना की हैं, तो ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ जापान ने आपसी सहयोग के लिए करार किया है, एग्रीमेंट किया है। ये दोनों देश सुरक्षा में, डिफेंस में, और मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि जो नौसेना है उसमें जो कोऑपरेशन चाहिए, तटों की रक्षा के लिए जो कोऑपरेशन चाहिए नेवी, उसमें ये आपसी सहयोग करेगा। तो जापान ने ये किया है इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इनमें से कौन सी पॉलिसी है जो नॉन नेगोशिएबल कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। नॉन नेगोशिएबल मतलब इस पर कोई चर्चा का स्कोप नहीं है। ये पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना का जो सॉवरेनिटी है ताइवान के ऊपर, वो दर्शाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप एंटी चाइना इनको देखा जा रहा है, इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई भी वन चाइना पॉलिसी ये है कि अगर कोई भी कंट्री जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ बनाना चाहती है, तो वो ताइवान को एक स्वतंत्र देश नहीं मानेगी, जिससे चाइना उस पर अपना कब्जा जमा सके। तो डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से वन चाइना पॉलिसी जो है, ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मंजूर नहीं है अमेरिका को। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल, यानी कि जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सर्द हवा। सर्द हवा ऑपरेशन ये है कि अक्सर जो आतंकवादी हैं, वो गहरे कोहरे का फायदा उठाकर, धुंध का फायदा उठाकर
घुस आते हैं तो ऑपरेशन सर्द हवा से इनका जो भारत में इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोका जाएगा, आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन रोका जाएगा। ये ऑपरेशन लॉन्च किया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के यानी स्वतंत्र भारत के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे जिनका जन्मदिन हम 15 जनवरी को मनाते हैं और इस दिन हम आर्मी डे भी मनाते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी डे, और इस बार हमने मनाया अपना 69वां यानी 69th आर्मी डे। तो हमारे जो पहले कमांडर इन चीफ उनका नाम के एम करियप्पा, आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं के एम करियप्पा, पूरा नाम है को डान देरा मदप्पा करियप्पा। एक 70 साल की महिला, अमेरिका में इनका निधन हो गया, इनको एक सुपर बग ने काट लिया जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। तो आपको बताना है कौन से सुपर बग ने इन्हें काटा था। तो ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कम से कम 26 ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के इस रोग से बचा सकते हैं, लेकिन 26 के 26 एंटीबायोटिक ने इस सुपर बग पर काम नहीं किया। तो ये काफ़ी डेंजरस है और इसको बोलते हैं CRE। तो आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं CRE यानी कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरियेसी। इनमें से कितने सैटेलाइट हैं जो SpaceX कंपनी का फैल्कॉन 9 रॉकेट अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। तो SpaceX एक इंटरनेशनल यानी कि स्पेस टूरिज्म की कंपनी है और SpaceX के फाउंडर हैं एलॉन मस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप अंतरिक्ष में पर्यटन के लिए जा सकते हैं, उसकी कंपनी है SpaceX। और इसी तरह की एक और कंपनी है जिसका नाम है वर्जिन अटलांटिक। तो जो ये जो फैल्कन 9 रॉकेट है इसका नाम भी आपको याद रखना है। टोटल ये 10 सैटेलाइट लेकर उड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक प्रेस है जिसका नाम है मुद्रण प्रिंटिंग प्रेस। विमुद्रीकरण के बाद जब नोटों की शॉर्टेज हो गई भारत में तो इस प्रेस ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा नोट छापने का। तो मुद्रण प्रिंटिंग प्रेस जो है ये कहां पर है, ये है मैसूरु में। और एक बात याद रखिए मैसूरु कर्नाटक में है, और जो मुद्रण प्रिंटिंग प्रेस है इसने लगभग 10.9 मिलियन नोट एक दिन में छापे और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा नोट एक ही दिन में छाप दिए। इनमें से कौन सा सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसने एक करार किया है स्टेट जनरल रिजर्व फंड ऑफ ओमान। ओमान एक देश है, मिडल ईस्ट के अंदर देश है और ओमान की राजधानी है मस्कट। तो ओमान का जो रिजर्व फंड है ये एक सॉवरन वेल्थ फंड है ओमान का। इसके साथ भारत के किस सरकारी बैंक ने एक करार किया है, ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगला सवाल भी इससे मिलता जुलता है कि जो ओमान और का जो बैंक है और भारत का जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर एक जॉइंट फंड बनाया है। तो इसमें कितना फंड इसमें अलॉट किया गया है, 2017 एंड तक जो इनका टारगेट है वो कितना है। तो ये जो इनका टारगेट है ये है $300 मिलियन। और SBI से भी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है, इसने मर्जर और अमलगमेशन के लिए नए रूल बनाए हैं। तो इसके हिसाब से जो पब्लिक शेयर होल्डर हैं उनकी होल्डिंग मर्जर के बाद कितने परसेंट से कम नहीं हो सकती, यानी कि अगर दो कंपनियां मिल रही हैं तो उसमें जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनका कितना स्टेक होना ही चाहिए दोनों कंपनियों के संगम के बाद। तो ये जो परसेंटेज है ये है 25%, 25% सेबी ने ये किया है। और ये 1988 में जो स्टैचुरी पावर थी वो सेबी एक्ट 1992 के थ्रू दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है सेबी इज अ मार्केट रेगुलेटर, 1988 में बना था और 1992 में आई थी सेबी एक्ट। ऋषि कपूर मशहूर अभिनेता थे पुराने, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी आप कर दीजिए, इसे ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम क्या रखा है, और ये इन्होंने किसी के साथ मिलके लिखी है, अकेले नहीं लिखी है, जिसके साथ मिलके लिखी है उनका नाम है मीना अय्यर और इसका नाम है खुल्लम खुल्ला। तो इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी मेरा नाम जोकर, जिसमें ये बाल अभिनेता थे, राज कपूर की पिक्चर थी, और जो इनकी आखिरी फिल्म थी वो थी कपूर एंड सन्स 2016 के अंदर। मशहूर राजनेता और समाजसेवी जो हिमाचल बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटीज और ट्राइबल वेलफेयर परिषद के चेयरमैन रह चुके थे, उनका भी अभी निधन हो गया, तो उनका नाम क्या था। ये मशहूर राजनेता और समाजसेवी, इनका नाम था मंगल सिंह नेगी, जो कि 86 वर्ष के थे। इनमें से कौन सा प्राइज है जो फ्रेड रामसडेल, अलेक्जेंडर रुडेंस्की और शिमोन साकाकुची ने जीता
इन्होंने जो टी सेल होते हैं बॉडी के अंदर, थाइमस से सिक्रेट होते हैं टी सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। दो तरह की इम्यूनिटी होती है बॉडी में, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बी सेल और टी सेल। टी सेल हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, यानी वो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं जो कोशिकाओं के द्वारा होती है। तो इन्हें जो प्राइज मिला है उसका नाम है क्राफोर्ड प्राइज, क्राफोर्ड प्राइज। ये साइंस के लिए मिलता है हर साल, 1980 से ये मिलता आ रहा है। हॉलगर क्राफोर्ड नाम के व्यक्ति थे जो कि स्वीडन के थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और उनकी पत्नी, उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। इसे देती है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। तो ये पूछ सकते हैं क्रूफोर्ड अकेडमी कौन देता है, इसे देता है स्वीडन। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, 1942 में इनका भी अभी निधन हो गया। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका नाम क्या है, ये 91 साल के थे और इनका नाम है सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह बरनाला जो अकाली दल में थे पहले। इनमें से कौन से फिल्म है जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला जो जियो फिल्म फेयर अवार्ड हुए वहां पर, यानी इस साल की बेस्ट फिल्म कौन सी है, यह अवार्ड मिला दंगल को, दंगल को मिला बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड। और इतना ही नहीं, दंगल में जो महावीर सिंह फोगट की भूमिका निभाई आमिर खान ने, उन्हें मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो दंगल ने इस बार बाजी मारी बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर दोनों। इनमें से कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने नीरजा, नीरजा पिक्चर थी नीरजा भानोत के ऊपर, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा की भूमिका निभाई, इस फिल्म को 5 अवार्ड मिले। इसके अलावा एक और फिल्म है जिसे 5 अवार्ड मिले और इन दोनों फिल्मों को 5-5 यानी टोटल मिला के 10 अवार्ड मिले, यानी इस फिल्म फेयर में ये दो हाईएस्ट अवार्ड विनिंग फिल्म रही। तो एक तो नीरजा है जिसे 5 मिले, दूसरी फिल्म कौन सी है, इस फिल्म का नाम मैं अभी लिया मैंने, कपूर एंड सन्स। 14वां स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन किसने जीता, और याद रखिए इसमें डेविड रुधिजा थे हमारे चीफ गेस्ट, केन्या के, जो 800 मीटर की रेस में ओलंपिक गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता था, वो हमारे इसमें ब्रांड एम्बेसडर थे। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन, लेकिन जीता किसने, ये जीता अल्फोंस सिम्बू ने, अल्फोंस सिम्बू। और ये भी पूछ सकते हैं कौन से देश के हैं, तो ये हैं तंजानिया के, और तंजानिया अफ्रीका का देश है, सेंट्रल अफ्रीका का, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत की चोटी है तंजानिया के अंदर, इसलिए तंजानिया फेमस है। अब मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, वो सवाल ये है तंजानिया की राजधानी मुझे बताइए। अगर आपको तंजानिया की राजधानी पता है तो मुझे ऑप्शंस में नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। और महिलाओं में किसने जीता, यही मैराथन जो मुंबई में हुआ जिसको स्पॉन्सर किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने, इसको महिलाओं में जीता केन्या की बोर्नेस किटूर ने, ये है बोर्नेस किटूर और इनको जीता ये है केन्या की। 2017 का इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर जिसे शॉर्ट में कहते हैं IIGF, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, 2017 इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर, क्योंकि मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूं तो ये अब खत्म हो चुका है, और ये इसका 58वां अध्याय था, ये हुआ नई दिल्ली के अंदर। सो आंसर है न्यू दिल्ली। इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो उसमें 99% टाइम्स आंसर रहता है न्यू दिल्ली। स्वतंत्रता सेनानी मोहन सिंह जोशन, इनका अभी निधन हो गया, ये कौन से राज्य के थे, 92 साल के थे और श्रीगंगानगर के थे, श्रीगंगानगर है राजस्थान में, और इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं उसमें जबरदस्त भूमिका निभाई थी। तो ये आपको याद रखना है। इनमें से प्रसार भारती के इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए, कौन नियुक्त किए गए, ये पहले प्रसार भारती बोर्ड में भी थे, इनका नाम है राजीव सिंह, राजीव सिंह बने प्रसार भारती के इंटरिम CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। गीता सेन, इनका निधन हो गया अभी, कौन से फील्ड में ये बहुत ज़्यादा मशहूर थी, गीता सेन का अभी निधन हो गया, 86 वर्ष की थी और ये बहुत ही बड़ी ये बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री थी, सो शी वॉज अ बंगाली एक्ट्रेस, और ये मशहूर फिल्म मेकर मृणाल सेन उनकी पत्नी भी थी, तो ये भी आपको याद रखना है, और इन्होंने कोरस, कैलकटा 71 और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। सो आंसर है एक्ट्रेस यानी फिल्म्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो सालाना रायसीना डायलॉग होता है, रायसीना डायलॉग पे प्रशांत धवन ने एक अलग से वीडियो बनाया है, बहुत डिटेल में बताया है रायसीना डायलॉग क्या था, ये किस बारे में था, तो अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो आपके लिए। रायसीना डायलॉग का अभी दूसरा अध्याय हुआ, कहां पर हुआ रायसीना डायलॉग, तो रायसीना डायलॉग भी हुआ नई दिल्ली के अंदर, सो आंसर है न्यू दिल्ली। और ये हमारा जो जियो पॉलिटिक्स है और जियो इकोनॉमिक्स का, उसका सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का होता है, और इसमें इंडिया
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भी पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और इसके अलावा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF. अभी अभी एक फॉरेन मिनिस्टर हैं जो भारत के दौरे पर आए, दो दिवसीय दौरा था, और इन्होंने रायसीना डायलॉग में बोला कि इंडिया और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए. क्या नाम है इन फॉरेन मिनिस्टर का, जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर हैं? इनका नाम है बोरिस जॉनसन. तो इन ये नरेंद्र मोदी से मिले, इतना ही नहीं अरुण जेटली से भी मिले, और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं यानी MJ अकबर साहब, उनसे भी मिले, और इन्होंने कहा कि इंडिया और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए. इस बार जो रायसीना डायलॉग हुआ, इसका थीम क्या था? रायसीना डायलॉग का थीम था द न्यू नॉर्मल मल्टीलेटरलिज्म इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. अगला सवाल, इनमें से कौन सा वो रशिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जहाजों को लेके चलने वाला जहाज है, जिसे लिबियन मिलिट्री कमांडर जनरल खलीफा हफ्तार ने विजिट किया? ये है एक रशिया का जहाज और इसका नाम है एडमिरल कुजनेत्सोव. अभी अभी एक नेशनल प्रोजेक्ट भारत के अंदर शुरू हुआ है, जिसमें 20,000 जो हमारे जवान लोग हैं उन्हें गंगा बेसिन के जो स्टेट हैं यानी गंगा से जुड़े हुए जो राज्य हैं जहां पे गंगा नदी बहती है, उनको ट्रेन किया जाएगा और स्वच्छता दूत के तौर पर इन्हें एम्प्लॉय किया जाएगा. इनफैक्ट अभी अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि इनका नाम क्या होगा, तो इन्हें कहा जाएगा स्वच्छता दूत, यानी सफाई के दूत होंगे ये. और इस नेशनल प्रोजेक्ट का नाम पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG. और हमारी जो गंगा रिजुविनेशन के लिए मिनिस्टर है वो है उमा भारती. सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसके हिसाब से इनमें से कितने पुराने और दकियानूसी कानून हैं जिनका एनलमेंट होगा, यानी इन कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा. तो इन कानून का नंबर है 105, और ये डिसीजन हमारे कैबिनेट ने लिया, रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री हैं उन्होंने ये अनाउंस किया कि 105 पुराने कानून हैं जिनको अब रिपील किया जाएगा. तो टोटल 277 कानून थे जो जिनका नाम दिया गया था, टोटल अप्रूवल है 105 कानूनों का. टोटल अब तक जो भारतीय जनता पार्टी है 1280 पुराने कानून हैं जिन्हें खत्म कर चुकी है. तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, याद रखिए इनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, और तेलंगाना के जो राजधानी है वो है हैदराबाद. तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने एक स्कीम निकाली है जिससे एक आर्मी वेलफेयर फंड, यानी आर्मी है जो थल सेना है उसके भलाई के काम किए जाएंगे, उसके लिए एक कोष बनाया गया है जिसमें 80 करोड़ रुपया जिसके में खर्च किया जाएगा. टोटल जो आउटले है इस प्रोजेक्ट का वो है 80 करोड़. अब आपको ये बताना है इसमें चीफ मिनिस्टर और जो मंत्री हैं तेलंगाना के वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे. तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे 25,000 रुपये, और तेलंगाना में जो MLA है, जो विधायक हैं, जो MLC है यानी विधान परिषद के मेंबर हैं, और जो वहाँ के सांसद हैं यानी MP हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे 10,000 रुपये, लेकिन चीफ मिनिस्टर और मंत्री वो कंट्रीब्यूट करेंगे 25,000 रुपये. तेलंगाना की सरकार एक लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ की जो विधानसभा है उसके बजट सत्र में एक बिल लाई है, और ये बिल, इस बिल के हिसाब से जो वहाँ के बैकवर्ड क्लासेज हैं, बैकवर्ड सेक्शन हैं मुस्लिम्स के, उनको कितना आरक्षण दिया जाएगा. टोटल आरक्षण जो मुस्लिम्स के अंदर बैकवर्ड सेक्शन है उन्हें दिया जाएगा 12%. सो ये अनाउंस किया वहां के मुख्यमंत्री ने, 12% रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स, और ये इन्होंने इलेक्शन में प्रॉमिस भी किया था और इन्होंने अब अपना वादा निभाया. इनमें से कौन सी इंटरनेशनल गवर्निंग काउंसिल है जिसकी सदस्यता भारत को मिल गई है, और ये यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया. तो इसका नाम है इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट. तो वैक्सीन होती है दवाई जिसे आप लेते हैं तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, इसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. याद रखिए वैक्सीन हमेशा आपको एक्टिव इम्यूनिटी देती है, पैसिव इम्यूनिटी नहीं देती है, तो ये आपको याद रखना है. और जो इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट है इसकी अब भारत को मिल गई है सदस्यता. इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है सियोल, और सियोल है साउथ कोरिया की राजधानी. इनमें से कौन से भारत का राज्य है जो पहला राज्य बना जिसने एक आनंदम प्रोग्राम लॉन्च किया है
जिससे जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जा सके। इसके लिए आनंदम प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश वही राज्य है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस भी अभी अभी लॉन्च की थी, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना। इनमें से कौन से इंडियन सेलिब्रिटी हैं जिन्हें एशियन फिल्म अवार्ड्स, जो 11वें एशियन फिल्म अवार्ड हुए उनमें नॉमिनेशन मिला, उनमें इनका नामांकन हुआ अवार्ड के लिए, और इनका नाम है शबाना आजमी। शबाना आजमी, शबाना आजमी को नीरजा फिल्म में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए अवार्ड में नॉमिनेशन मिला। तो ये अकेली इंडियन सेलिब्रिटी हैं जो एशिया फिल्म अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई, शबाना आजमी नीरजा फिल्म के लिए। अभी अभी 5 गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी हैं, उनमें सरकार का जो स्टेक है वो कितना परसेंट रिड्यूस, कम कर दिया गया, ये डिसीजन लिया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA ने। इन कंपनीज को की जो पब्लिक लिस्टिंग है वो अप्रूव कर दी, और इनमें सरकार का जो स्टेक है, जो ओनरशिप इक्विटी है, वो कम कर दिया गया। कम से कम 5 ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो जिस परसेंटेज से किया गया वो है 25%। 25% इज द आंसर। और ये 5 कंपनियां कौन कौन सी हैं, जैसे LIC है, और LIC के आपसे पूछ सकते हैं कि जो चेयरमैन है वो कौन है, तो चेयरमैन का नाम है के रॉय। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, GIC बोलते हैं जिसे, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी चेयरमैन है एलिस वैद्यन। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके चेयरमैन है राजेश अग्रवाल। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इसकी जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और चेयरमैन है AK सक्सेना। और 2 और हैं, जैसे एक है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जिसकी जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन है श्रीनिवासन, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और चेयरमैन है मिलिंद खरात। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, ये अभी अभी न्यूज़ में आए, वो क्यों, क्योंकि इन्होंने नए नोट अभी अभी निकाल रहे हैं। ये वेनेजुएला की करेंसी मुद्रा आपसे एग्जाम में जरूर पूछेंगे। वेनेजुएला में जो चलता है वो चलता है बोलीवार, बोलीवार, और यहाँ पे इस कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, इसीलिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने नए बैंक नोट शुरू कर दिए हैं, 50 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक के नोट, रुपये मतलब बोलीवार के नोट। तो ये जो 1600% इन्फ्लेशन इस देश में है, और अगर आप उसे पूछें कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने वाली है, एकदम खत्म होने वाली है, तो वो वेनेजुएला है, क्योंकि इसका जो पूरा इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो तेल पर निर्भर करती है और तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम गिर चुके हैं। तो इसलिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे, इनका नाम है निकोलस मदुरो। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसने लॉन्च किया एक SOS फीचर, और ये इनकी मोबाइल ऐप पे लॉन्च किया गया, जिसमें जो इनका डिलीवरी स्टाफ है, डिलीवरी बॉय है, उनकी सेफ्टी के लिए है, यानी जो पर्सन आपके घर पर आपका पार्सल लेके आता है उसकी सुरक्षा के लिए ये एक फीचर लॉन्च किया गया है। तो ये किया फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट के अभी अभी जो नए CEO बने हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, इसमें आपको एक दो चीज़ें और याद रखनी है। जैसे आपसे ये पूछ सकते हैं कि फ्लिपकार्ट के जो CEO थे पूर्व, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है बिन्नी बंसल, अब उन्हें बना दिया गया ग्रुप CEO, तो ये सब भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने जो पहली कंपनी बनी जिसने सेल्फ ड्राइविंग कार यानी खुद चलने वाली गाड़ी, इनमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, ऐसी गाड़ियां टेस्ट करने वाली इंडिया के अंदर पहली कंपनी कौन सी बनी, तो इस कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी, और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि 100 बिलियन का लगभग ग्रुप है, और इस कंपनी ने अपनी जो गाड़ी है वो टेस्ट की इंडिया के अंदर। तो अब ये उन सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है जिनसे ये गाड़ी चल पाएगी। इनमें से कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके साथ भारतीय एयरफोर्स यानी वायुसेना ने ऑर्डर प्लेस किए हैं जो ब्लैक बॉक्स अब बनाए जाएंगे। ब्लैक बॉक्स होता है अगर कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है, फट जाता है, या किसी कारण से धराशायी हो जाता है, तो उसमें ब्लैक बॉक्स से काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है, और ब्लैक बॉक्स का कलर होता है ऑरेंज। ब्लैक बॉक्स का कलर ब्लैक नहीं होता, इसका कलर होता है ऑरेंज। तो इंडियन एयरफोर्स ने जिस कंपनी के साथ ऑर्डर दिए हैं अपने ब्लैक बॉक्स बनाने के लिए, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला सवाल, इनमें से अभी एक कमेटी बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, इन्होंने डिसीजन लिया कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें, और ये डिसीजन नरेंद्र मोदी ने हमारे मुख्य न्यायमूर्ति JS केहर और कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक कमेटी में लिया। तो CBI डायरेक्टर
की जो पोस्ट है वो अब किसको दी गई है, यानी सीबीआई का नया डायरेक्टर कौन है, ये डिसीजन लिया नरेंद्र मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जेएस केहर ने। तो ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोकसभा के अंदर कांग्रेस के लीडर हैं और एक ओपोजिशन लीडर को सीबीआई का डायरेक्टर बनाने के लिए भी जो रिकमेंडेशन है उसके अंदर इनकी सुनी गई, क्योंकि सीबीआई को अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सीबीआई सिर्फ सरकार के लिए काम करती है और ओपोजिशन को दबाती है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केज्ड पैरट कहा था अब से कुछ साल पहले। तो इनका नाम है अलोक कुमार वर्मा। इनमें से यूरोपियन पार्लियामेंट यानी ईपी का नया अध्यक्ष, नया प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ है, इनका ये एक इटली के पॉलिटिशियन है और इनका नाम है एंटोनियो तजानी। सो आंसर है एंटोनियो तजानी, ये यूरोपियन पार्लियामेंट के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इनमें से कौन सा भारतीय पूर्व भारतीय इंडियन क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर जो हॉल ऑफ फेम में जिनका नाम शुमार किया गया है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया द्वारा मुंबई के अंदर, ये हैं पूर्व ऑलराउंडर और भारतीय टीम के 1983 वर्ल्ड कप में जो कप्तान थे कपिल देव, और सुनील गावस्कर 2013 में हॉल ऑफ फेम के अंदर आए थे, तो ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा भारतीय शहर है जो सबसे डायनामिक सिटी वर्ल्ड का उसको डिक्लेयर किया गया है, ये एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जॉन सेंग लासाल सिटी मोमेंटम इंडेक्स के अंदर, दुनिया का सबसे डायनामिक सिटी है भारत में बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और इसमें एक सवाल और पूछ सकते हैं आपसे, इसमें जो हैदराबाद ऑप्शन में है ये पांचवें नंबर पे था, तो जो टॉप 10 सिटीज हैं वर्ल्ड में उनमें पहले नंबर पे बेंगलुरु, फिर है वियतनाम में होचीमिन, फिर सिलिकॉन वैली है अमेरिका में, फिर शंघाई और पांचवें नंबर पे हैदराबाद। भारत का खुद का बनाया हुआ यानी इंडिजीनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वो कौन सा है जिसने अपनी उड़ान भरी, पहली अपनी उड़ान भरी, डेब्यू किया इसने, हमारा जो अभी रिपब्लिक डे मनाया गया था 68th रिपब्लिक डे था भारत का, अपनी पहली उड़ान इस दिन भरी तेजस ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्रुव भी उड़ाया गया लेकिन ध्रुव की ये पहली उड़ान नहीं थी, पहली उड़ान थी ये तेजस की। वो कौन सा वेब पोर्टल है जो सर्व शिक्षा अभियान को डेडिकेटेड है और अभी अभी लॉन्च किया गया नई दिल्ली के अंदर, इसका नाम रखा गया है शगुन, और शगुन हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन सेक्टर है भारत का उसमें जो भी इनोवेशन है और प्रोग्रेस है उसको दिखाएगा, तो ये वेब पोर्टल है सर्व शिक्षा अभियान के लिए, इसका नाम है शगुन। और अगला सवाल है कि इस अभियान को लॉन्च किसने किया, तो एजुकेशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आता है, एचआरडी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और एचआरडी मिनिस्टर हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर, तो इन्होंने किया लॉन्च शगुन को। महाराष्ट्र की सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जो वहां के महाराष्ट्र के नागरिकों को नजदीकी हॉटस्पॉट ढूंढने में मदद करेगा, और ऐसे 500 वाईफाई हॉटस्पॉट पूरे मुंबई में एक्टिवेट कर दिए गए हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा वाईफाई प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन ये जो हॉटस्पॉट है वाईफाई के ये ढूंढने में मदद करेगा ये मोबाइल ऐप, तो इस मोबाइल ऐप का नाम रखा है आपले सरकार मुम वाईफाई, आपले सरकार मुम वाईफाई, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने जो सैलरी है वो उसमें इजाफा किया, 63% से लेकर 124% तक उनके जो फिक्स्ड पे एम्प्लॉयज़ हैं सरकार की कर्मचारी हैं, सातवा पे कमीशन उसको लागू करके ये किया गया, और ये 1 फरवरी से ये तनख्वाह देना स्टार्ट कर देंगे। इस राज्य में लगभग 1,18,000 कर्मचारी हैं जिन पर 7 पे कमीशन लागू कर दिया गया है, तो ये करने वाला राज्य बना गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जो बीजेपी के हैं। 31 साल पहले 19 जनवरी 1986 में दुनिया का पहला जो कंप्यूटर वायरस है उसने IBM कंप्यूटर के लिए, ये पहला कंप्यूटर वायरस था, आपको बताना है ये कौन सा वायरस था जिसने एक IBM कंप्यूटर में अपनी घुसपैठ की थी। सो इस वायरस का नाम था ब्रेन, और इसको क्रिएट किया था बैसित और अमजद फारूक ने जो लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो ये अभी न्यूज़ में आया था, ये जो वायरस था ये फ्लॉपी डिस्क वगैरह कई चीज़ों से ट्रांसमिट हो जाता था। उस इंडियन एक्ट्रेस का नाम बताइए जिसने जिसको मिला है पीपल्स चॉइस अवार्ड, और इन्हें पहली बार नहीं दूसरी बार मिला है, तो अभी एक फिल्म में भी काम करेंगी बेवॉच, जिसमें द रॉक नाम के अभिनेता जो है ड्वाइन जॉनसन इनके
साथ होंगे और क्वांटिको में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया हुआ है। दूसरा पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला प्रियंका चोपड़ा को अपने क्वांटिको रोल के लिए मिला, तो ये इन्हें मिला क्वांटिको के लिए। सो और इन्हें पहला अवार्ड पिछले साल ही मिला था 2016 के अंदर। जो पीपल चॉइस अवार्ड है ये अमेरिकन अवार्ड होते हैं, 1975 से दिए जाते हैं। इनमें से वो कौन सी सेलिब्रिटी है भारत की जो फेवरेट यूट्यूब स्टार 2017 पीपल्स चॉइस अवार्ड के अंदर इन्हें मिला, ये फेवरेट यूट्यूब स्टार है भारत की है, इनका नाम है लिली सिंह, लिली सिंह। अमेरिका के वो कौन से स्टार हैं मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं जिन्हें जो पीपल्स चॉइस अवार्ड के अंदर मोस्ट अवार्डेड पर्सन बनी, यानी आज तक जितने अवार्ड इन्हें मिले हैं उतने किसी को नहीं मिले, और इन्हें बैरक ओबामा ने एक बहुत स्पेशल अवार्ड दिया था, क्या आप उस अवार्ड का नाम बता सकते हैं? पिछले ही महीने बैरक ओबामा ने इनको एक बहुत स्पेशल अवार्ड दिया था और इनका नाम है एलेन डेजेनेरेस, और ये इनका एक शो भी आता है दी एलेन डेजेनेरेस शो जिसमें ये होस्ट होती हैं, और ये एक बहुत ही फेमस शो है अमेरिका के अंदर। तो ये नाम आपको याद रखना है, एक तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा मैरियल स्टीप। तो मैरियल स्टीप को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला जिसको बोलते हैं सेसिल डेमिल अवार्ड, तो मैरियल स्टीप को ये अवार्ड मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट गोल्डन ग्लोब के अंदर, और अवार्ड का नाम है सेसिल डेमिल। और मैरियल स्टीप एक और वजह से न्यूज़ में आई थी, डोनाल्ड ट्रंप से इनकी लड़ाई हो गई थी, मैरियल स्टीप हिलेरी क्लिंटन को सपोर्ट करती हैं, तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे लिखा कि मैरियल स्टीप एक अच्छी अभिनेत्री नहीं है। इनमें से कौन सा फुटबॉल क्लब है जो दुनिया का सबसे रिच सबसे धनी फुटबॉल क्लब बना 2015-2016 सीजन के लिए? तो इस फुटबॉल क्लब का नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये मैनचेस्टर शहर का क्लब है इंग्लैंड का, और मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के जो मैनेजर हैं फुटबॉल मैनेजर जिनको कहा जाता है वो है जोजे मोरिनियो, जिन्हें द स्पेशल वन भी कहा जाता है, जोजे मोरिनियो। इनमें से कौन सा कंट्री है जो अभी अभी CERN यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का एसोसिएट मेंबर बना? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये है इंडिया। इंडिया बना CERN का एसोसिएट मेंबर, और 22 मेंबर स्टेट हैं CERN के, और CERN दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर यानी नाभिकीय ऊर्जा का और पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है जिसे बोलते हैं CERN। भारत की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंदर क्या रैंक है? इंडिया की जो 79 डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर रैंक है 60। तो अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर, यानी जो वित्तीय समावेश है, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कितना समावेश है लोगों का उसको दर्शाता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें हमारा स्थान है 60, 79 कंट्रीज के अंदर, और इसमें बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जिसके बाद ये कंबाइंड एक्यूमुलेटिव इंडेक्स रिलीज किया जाता है। तो इनकी ये रिपोर्ट होती है जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। भारत में या दुनिया में वो कौन सी कंसल्टेंसी कंपनी है जो इंडिया जिसके हिसाब से भारत दुनिया के 6 सबसे प्रॉमिसिंग मार्केट्स में जिसका नाम है, मतलब इस कंपनी ने एक रिपोर्ट दी है और उस लिस्ट में भारत जो दुनिया के 6 सबसे प्रॉमिसिंग यानी सबसे उजागर, सबसे जो जिसे कहते हैं चढ़ता सूरज, उस तरह का मार्केट है ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फॉर ग्लोबल एग्जीक्यूटिव्स के लिए। तो ये जो कंपनी है इस कंपनी का नाम है प्राइस वाटर हाउस कूपर यानी इसे शॉर्ट में बोलते हैं PwC। और एक बात और याद रखनी है आपको, वो ये कि जो एक्सपैट्रिएट्स हैं यानी कि जो विदेशी भारत में काम करते हैं वो भारत में दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सैलरी पाते हैं। एक्सपैट्रिएट्स के लिए जो बेस्ट कंट्री है वर्क करने के लिए जहाँ पे विदेशियों को सबसे ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है, नंबर 1 है सिंगापुर, नंबर 2 है हांगकांग और नंबर 3 पे है इंडिया। ये भी क्वेश्चन जरूर आएगा। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसे नंबर 1 पोजीशन मिली इनोवेशन इंडेक्स में 2017 के मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग के हिसाब से? ये जो कंट्री है इसमें सबसे ज़्यादा इनोवेशन होता है, नई चीज़ें निर्मित की जाती हैं, इनोवेशन नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और ये कंपनी है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जहाँ की बहुत सारी कंपनी भी हैं फेमस, जैसे ह्यूंडई है गाड़ियों की कंपनी, या सैमसंग है, LG है, ये सब साउथ कोरिया की कंपनी है, और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। भारत में कौन से शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है अगर मैं सिटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो? इसमें 1.10 लाख यानी 1,10,000 लोग बैठ पाएंगे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, ये बन रहा है अहमदाबाद में,
और अहमदाबाद में ये बन रहा है 700 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आएगा। इनमें से जागरूकता के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्रालय ने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिससे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनके बारे में, सस्टेनेबल यूज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, यानी कि पेट्रोल के जो प्रोडक्ट हैं वो, क्योंकि ये जैविक ऊर्जा नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा पेट्रोल, तो इसको हमें काफ़ी किफ़ायत से यूज़ करना चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया उसका नाम रखा गया है सक्षम। सो आंसर है सक्षम, और ये एक महीने तक ये प्रोग्राम चलेगा और पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएट यानी PCRA और मंत्रालय ने मिलकर ये लॉन्च किया। इनमें से कौन सा देश है या कौन सा स्टेट है, राज्य है जिसे केंद्र सरकार ने, तो कौन सा स्टेट है जहां पे केंद्र सरकार ने एक फाइनेंस एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ इस राज्य में हेल्थ सर्विसेज की को इम्प्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए एक साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, और ये किया गया है नागालैंड के लिए। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 48 मिलियन का जो $ क्रेडिट है वो वर्ल्ड बैंक देगा, और ये नागालैंड हेल्थ प्रोजेक्ट है जो डायरेक्टली बेनिफिट करेगा लगभग 600,000 लोगों को, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ये किया गया है। इनमें से कौन सी कमेटी है जिसने ये रिकमेंडेशन दिया है कि जो IITs हैं भारत में उनमें गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, तो ये जो कमेटी है ये है टिमोथी गोंजाल्वेस कमेटी। टिमोथी गोंजाल्वेस कमेटी ने कहा है कि 20% सुपर न्यूमरेरी सीट्स गर्ल्स के लिए, टोटल नंबर है जो सीट्स का उसमें 20% लड़कियों के लिए रिजर्व होनी चाहिए, और इससे जो IIT है अपना टारगेट अचीव कर पाएगा 1 लाख का 2020 तक, यानी 1 लाख स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स। अभी अभी दिल्ली इंटरनेशनल चेस मीट हुई, इसको किस खिलाड़ी ने जीता, दिल्ली इंटरनेशनल चेस प्रतियोगिता जिस खिलाड़ी ने जीती ये है तजिकिस्तान के, तजिकिस्तान, और इनका नाम है फारूक अमोनाटोव। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 15वीं बार था जब दिल्ली इंटरनेशनल चेस मीट आयोजित किया गया। पिनियन ये एक लेखनी की इकाई है, एक उसका तरीका है, पिनियन राइटिंग सिस्टम, इसके जनक किसे कहा जाता है, और ये क्वेश्चन इसलिए न्यूज में आया क्योंकि ये 111 साल के थे, इनका निधन हो गया। ये चाइना के मशहूर भाषा के ज्ञानी लिंग्विस्ट जू यू गुआंग, सो जू यू गुआंग नाम के ये व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया। अभी अभी आखिरी व्यक्ति जो चांद पर चले उनका निधन हो गया, तो इनका नाम क्या है, ये दुनिया में जो जीवित व्यक्ति हैं उनमें आखिरी थे जो चांद पर गए थे, 82 साल के थे, और 1972 में नासा के अपोलो 17 मिशन में ये गए थे चांद के ऊपर, तो इनका जो नाम है वो है यूजिन सरनन, और ये थे 82 साल के। दुनिया का सबसे हल्का हाई परफॉर्मेंस मैकेनिकल वॉच, यानी दुनिया की जो सबसे कम वजन वाली घड़ी, हाथ पे पहनने वाली घड़ी, और ये बनी है ग्राफीन से, तो ये जो बनी है घड़ी इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। इस घड़ी का वजन कितना है, 40 ग्राम, और इसका नाम है RM5003। और एक बात और याद रखना है, ग्राफीन जो है ये दुनिया का पहला 2-डायमेंशनल मटेरियल है जिसमें सिर्फ एक ही एटम है, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से, इनकी जो स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से, कौन सा साल है जो सबसे गर्म साल रहा जब से हमने वेदर रिकॉर्ड्स मेजर करने स्टार्ट किए, तो भारत के मौसम विभाग के हिसाब से अब तक का सबसे गर्म साल भारत में रहा 2016। सो इसमें जो एनुअल टेम्परेचर था भारत का उसमें 0.91 डिग्री सेल्सियस की उछाल देखी गई, और 1961 से 1990 तक का जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का दिन था ये उससे भी ज़्यादा था, तो जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा इसके हिसाब से बढ़ी हुई देखी गई। इससे पहले जो सबसे गर्म साल था वो था 2009, और अब सबसे गर्म साल भारत के इतिहास में 2016 रहा। इनमें से कौन सा तत्व है जिसे मिसिंग एलिमेंट इन द अर्थ कोर, यानी जो हमारी जमीन होती है, अर्थ होती है, उसके तीन हिस्से होते हैं, तो सबसे अंदर वाला होता है कोर, और ये मेंटल है,
और ये क्रस्ट है, तीन हिस्से होते हैं धरती के, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर के अंदर कौन सा तत्व है जिसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, मिसिंग एलिमेंट, यानी कि ये पहले मिस कर दिया था साइंटिस्ट ने, लेकिन अब इसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये कोर के अंदर होता है और इसका नाम है सिलिकन। इसे ये रिसर्च किया जापान के साइंटिस्ट ने। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट या कौन से देश के साइंटिस्ट ने कहा है कि ये सिलिकन मिसिंग एलिमेंट है अर्थ के कोर के अंदर। इनमें से कौन सी सरकार की अथॉरिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो एयर क्वालिटी यानी हवा में कितना प्रदूषण है, हवा की क्वालिटी कैसी है, इसको नापने के लिए कुछ ग्रेड्स हैं, उनको लागू करेगी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत, जिससे एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके, खासकर दिल्ली और आसपास के एरियाज में, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर। तो ये किया EPCA ने। EPCA बोलते हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, यानी EPCA। भारत का 2017 ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में क्या रैंक है? 2017 ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स के अंदर भारत का रैंक है 92। 118 देशों के अंदर ये निकाला गया है, और ये दिखाता है इंडेक्स की कोई देश है उसमें टैलेंट के साथ कंपीट करने की क्षमता कितनी है, यानी जो कोई भी देश है वो टैलेंट को कैसे ग्रो करता है और कैसे अट्रैक्ट कर पाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी WEO की एक अपडेट है जो रिलीज की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, इसके हिसाब से भारत का 2016-2017 के अंदर ग्रोथ रेट कितना होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 2017 में भारत का ग्रोथ रेट कितना होगा, ये होगा सिर्फ 6.6% अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और एक ऑक्सफैम स्टडी हुई है, इसके हिसाब से इंडियाज रिचेस्ट पॉपुलेशन ओन 58% ऑफ टोटल वेल्थ इन इंडिया, यानी कि इनमें से भारत में जितना भी धन है उसका 58% यानी आधे से भी ज्यादा धन देश के कितने परसेंट सबसे अमीर लोगों के हाथ में है, यानी भारत की 58% जो संपत्ति है वो भारत के 1% सबसे अमीर आदमियों के हाथ में है। तो इससे पता चलता है कि जो इनइक्वालिटी है भारत में बहुत ज्यादा है। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जहां पे एक 500 मेगावाट का थर्मल यूनिट प्लांट लगाया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल कंपनी जो महारत्न कंपनी है, इसने 500 मेगावाट का ये प्लांट लगा वेस्ट बंगाल के अंदर। और वेस्ट बंगाल में कहां लगा ये भी पूछ सकते हैं। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी यहां की चीफ मिनिस्टर है, और वेस्ट बंगाल के अंदर ये प्लांट लगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको बता देता हूं, मुर्शिदाबाद के अंदर यह प्लांट लगा। द हिंदू प्राइज 2016 काफी प्रतिष्ठित अवार्ड है, द हिंदू प्राइज 2016 ये किसे दिया गया? ये दिया गया एक रिटायर्ड डिप्लोमेट है, पूर्व राजदूत, और इनका नाम है किरण दोषी। इन्होंने जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें भी काफी योगदान दिया है, किरण दोषी। इनमें से कौन से नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है जिन्हें अपनी फिल्म लिमिट टू फ्रीडम के लिए अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था, और अभी इनका निधन हो गया है? तो इनका नाम है दीपक रॉय, और 1996 में इन्हें इन्वेस्टिगेटिव फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया था, और इस फिल्म का नाम याद आप रखिए, लिमिट टू फ्रीडम। इसमें यह दिखाया गया था पिक्चर के अंदर कि जो तिहाड़ जेल है उसमें जो फीमेल प्रिजनर है यानी कि जो महिला अपराधी हैं उनके साथ कैसे बदसलूकी की जाती है। और भारत की जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत के पासपोर्ट की क्या रैंक है? तो जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें 157 कंट्री हैं, इसको टॉप किया है जर्मनी ने, और दूसरे नंबर पे सिंगापुर और तीसरे नंबर पे स्वीडन। लेकिन टॉप कंट्री पूछते हैं या फिर इंडिया की रैंक पूछते हैं तो आपको सिर्फ जर्मनी याद रखना है, और भारत की रैंक इसमें है 78 यानी 78। इसमें जो स्कोर था भारत का वो था वीजा फ्री स्कोर 46। वर्ल्ड के सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट जो होते हैं यानी एक ऐसे पासपोर्ट जिनकी ताकत सबसे ज्यादा है, तो उसमें भारत का स्थान है बहुत पीछे, नंबर वन है जर्मनी, नंबर टू पे है, नंबर वन पे जर्मनी, बस आप जर्मनी याद रखिए, वैसे नंबर टू पे सिंगापुर है। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जहां पे भारत का पहला कैशलेस आइलैंड यानी टापू जो कैशलेस बना दिया गया है, और इस टापू का नाम है करांग, तो ये भारत के कौन से राज्य में है? ये है मणिपुर में, और ये बन गया है भारत का पहला कैशलेस आइलैंड। तो ये सारे तथ्य याद रखने हैं। धसई महाराष्ट्र में पहला कैशलेस जगह थी जो महाराष्ट्र में थी, जो बना था कैशलेस एरिया इन महाराष्ट्र, और इंडिया में था पूरे गुजरात में अकोडारा साबरकंठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहला कैशलेस। 2017 का डेंटन ग्रामीण मेला ये भारत के कौन से राज्य में लगाया जा रहा है? दंतन ग्रामीण मेला भारत में लगेगा
वेस्ट बंगाल में, और ये 28वां ऐसा मेला है जो लगाया गया। सो आंसर है वेस्ट बंगाल। इसके अंदर जो गांव के हैंडीक्राफ्ट हैं, जो बुनाई है, शिल्पकारी है, वो सब दिखाई जाती है रूरल एरियाज की। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया, इसकी आधारशिला किसने रखी, तो ये रखी भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने। मिशन 41K, अभी मिशन 41K ये है कि हमारा जो भारत में हम एनर्जी ऊर्जा के ऊपर खर्च करते हैं, अगले 10 साल में उसमें 41,000 करोड़ रुपए का खर्चा हमारा बचना चाहिए, तो ये किसने लॉन्च किया है? अभी ये लॉन्च किया रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने, मिशन 41K। और ये कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो आप जानते हैं सुरेश प्रभु हैं हमारे रेलवे मिनिस्टर, तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और अभी जो भारत में हम ईंधन यूज़ करते हैं वो हम बहुत ज़्यादा अभी भी कोल पर हम डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, तो ये हमें उसमें भी कटौती करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड इन्वेस्टमेंट की लिस्ट से हमारी केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया कि जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको इससे हटा दिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से। लेकिन कितने राज्य हैं जिनका नाम अभी इस लिस्ट से नहीं हटाया गया है? तो राज्य हैं 3, और ये कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। इनफैक्ट एक यूनियन टेरिटरी भी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसको इस लिस्ट से नहीं हटाया, और वो है दिल्ली। और जो राज्य हैं उनके नाम है अरुणाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश, इन्हें इस लिस्ट से नहीं हटाया गया। चाइना और ब्रिटेन का पहला मालगाड़ी कहां पर आया? तो आप जानते हैं कि चाइना ने एक बहुत ही लंबी ट्रेन स्टार्ट करी है जो ब्रिटेन तक जाएगी, चाइना टू ब्रिटेन फ्री ट्रेन, 7500 मील की दूरी है जो ये तय करेगी 18 दिन के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी ये पहुंची लंदन, इसकी जो पहली जर्नी थी वो लंदन तक आई। बहुत सारी जगह है जहाँ से ये आई, पहले चाइना के जेजियांग से, फिर ये रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, और फाइनली इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके पहुंचती है ब्रिटेन। इनमें से कौन सा शहर है जिसे हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी डिक्लेयर कर दिया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, लेकिन हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला। धर्मशाला में भी काफ़ी लोग रहते हैं, 70 लाख की आबादी है धर्मशाला की, और ये बन गई है यहाँ की दूसरी राजधानी। धर्मशाला हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे मशहूर हिमालय के पहाड़ हैं, धौलाधार रेंज है, ये भी सब आपको याद रखना है। इसका जो पुराना नाम है वो है भागसू। इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पे पावर अपग्रेडेशन यानी ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने 1376 करोड़ रुपए का लोन पास कराया? ये राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में पावर अपग्रेडेशन के लिए 1376 करोड़ रुपए का लोन पास किया गया है। ऑस्ट्रिया के जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक नया तत्व बनाया है जिसमें नेगेटिवली चार्ज क्लस्टर है ही नहीं। तो ऐसा देखा जाता है कि जितने भी तत्व हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ नेगेटिवली चार्ज क्लस्टर होते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिवली चार्ज क्लस्टर आज तक इसके थे ही नहीं। तो ये तत्व कौन सा है? इस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन क्लस्टर हैं वो आज तक थे ही नहीं, यानी हाइड्रोजन को हम हमेशा ऐसे लिखते थे H+, लेकिन अब इसके हाइड्रोजन की एक ऐसी चीज जो 40 सालों में पहली बार देखी गई, हाइड्रोजन के नेगेटिवली चार्ज तत्व भी अब देखे जाएंगे। इनमें से कौन से वो अंग्रेजी कवि हैं जिन्हें 2016 का TS Eliot प्राइज देकर सम्मानित किया गया है, और जिस किताब के लिए, कविताओं की किताब है जिसके लिए दिया गया है, उसका नाम है जैक सेल्फ। इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला, 20,000 रुपये का अवार्ड भी मिला है, और साथ में मिला है TS Eliot प्राइज। इनका नाम है जैकोब पॉली, और किताब का नाम है जैक सेल्फ, दोनों याद रखने हैं आपको। और अगला सवाल भी इससे मिलता जुलता है कि ये कौन से कंट्री के हैं, तो ये हैं यूनाइटेड किंगडम के, UK। वो ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है जो ओलंपिक गेम्स की स्पॉन्सर होगी 2028 तक? ओलंपिक गेम, आप जानते हैं ओलंपिक गेम कहाँ होंगे, अभी ब्राजील में हुए थे ओलंपिक गेम, अगले रियो डी जेनेरियो के अंदर हुए थे 2016 के अंदर, तो 2020 में होंगे टोक्यो के अंदर ओलंपिक खेल,
तो 2028 के जो ओलंपिक गेम है उनकी जो स्पॉन्सर है वो है अली बाबा। चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अली बाबा, और अली बाबा के फाउंडर हैं जैक मा। ये नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 12 कंपनियां हैं जो अभी तक स्पॉन्सर इसकी हो चुकी हैं, जैसे कोका कोला है, मैकडोनल्ड है, और अब इसमें ई कॉमर्स कंपनी एकमात्र है अभी तक जो फाइनल हुई है वो है अली बाबा। एक बात और, 2018 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ होंगे? वो होंगे दक्षिण कोरिया के प्योंगचैंग के अंदर, और जापान में मैं आपको बता चुका हूँ। और 2022 में विंटर ओलंपिक्स होंगे चाइना की राजधानी बीजिंग के अंदर। इनमें से वो भारत का इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? जो पहला जहाज बना हमारा ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी जो लड़ाकू जहाज होते हैं उनको ये ढोता है। तो लड़ाकू जहाज ढोने वाला हमारा पहला जहाज कौन सा है जिसपे एक एटीएम भी है? ये एटीएम स्टार्ट किया गया जहाज के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ये भी पूछ सकते हैं कौन से बैंक ने एटीएम लगा दिया, और इसका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य पर एटीएम लगाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एएससीआई के साथ? और एएससीआई क्या होता है? एएससीआई इसकी आपसे फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। एएससीआई जो है ये हमारा जो ड्रग और मैजिक रेमेडीज, कहने का मतलब बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं जो फर्जी एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं और जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, उन्हें मिसगाइड करते हैं, तो इनके खिलाफ एक्शन लेता है एएससीआई। तो एएससीआई ने ये जो एमओयू है ये साइन किया आयुष के साथ, और इसमें ये भी देखा गया कि जो पतंजलि है, जो बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि, उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट पकड़े गए हैं जो मिसलीडिंग थे, तो ये पकड़े एएससीआई ने। और एएससीआई जो कंपनी है 1985 से ये काम कर रही है एडवर्टाइजिंग के अंदर। हमारा जो जल संसाधन मंत्रालय है यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, उसने एक कमेटी बनाई है, नेगोशिएशंस कमेटी, कौन सी नदी के पानी को ढंग से यूटिलाइज करने के लिए और उसकी पानी की अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। तो ये नदी है महानदी, और महानदी वैसे उड़ीसा की नदी है, लेकिन इसका जो पानी है वो, इसकी जो ट्रिब्यूटरी, जो बेसिन है, मतलब वो 5 राज्यों का है, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे उड़ीसा इत्यादि। तो इसमें कोई लड़ाई ना हो इसके लिए ये कमेटी बनाई गई है। तो ये 5 राज्य जहाँ महानदी का बेसिन है वो है ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एक साथ काम करेंगे, मिलके ये सब मिलके एक इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स बनाएंगे, जिससे भारत के अंदर हम रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट, इन पे हम काम कर सकें, नई चीज़ें बनाने पे, नए उत्पाद, नई सेवाएं बनाने पे हम काम कर सकें। तो ये तीनों मिलके काम करेंगे वीपो के साथ। वही वीपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन से आर्टिकल, हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो तमिलनाडु सरकार ने जिसको पे एक्शन लिया और एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास किया है जलीकट्टू को कंडक्ट करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जलीकट्टू बैन कर दिया जाएगा, लेकिन जो तमिलनाडु की सरकार है उसने एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास किया है। कौन से आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये पास किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 213 के हिसाब से। सो आंसर है आर्टिकल 213। इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ भारत अपना पहला स्ट्रेटेजिक डायलॉग होल्ड कर रहा है, जिससे दोनों देश आपस में एक अच्छी रिलेशनशिप बना सकें, अच्छी रिश्तेदारी बना सकें, रिश्ता बना सकें, और साथ में स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर सकें, एक आपसी सहयोग कर सकें? तो ये भारत ने किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ, यानी यूएई के साथ। और यूएई के जो राजकुमार हैं वो हमारे जो रिपब्लिक डे थे उसके ऊपर हमारे चीफ गेस्ट थे, यूएई, वेरी इंपॉर्टेंट। और यूएई में जो दुबई के अंदर जो इमारत है बुर्ज खलीफा, उसको भारत के तिरंगे के रंग में भी रंग दिया गया। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक नशा मुक्त कैंपेन बनाया है, जिससे नशे से मुक्ति पाई जा सके, और इसके लिए इन्होंने एक 11,000 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन चेन है। तो ये आपको याद रखना है। और इससे पहले कोई ह्यूमन चेन बनी थी वो बांग्लादेश की थी, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन ह्यूमन चेन होती है जब जो लोग हैं एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं हाथ पकड़ के, तो एक ह्यूमन चेन बन जाती है। तो 11,000 किलोमीटर लंबी इस राज्य के अंदर ह्यूमन चेन बनाई गई, और ये राज्य है बिहार। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है
जिसके साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक पार्टनरशिप की है और ये दोनों मिलकर काम करेंगे जिससे हमारे जो महासागर हैं, ओशियन है, समुद्र हैं, उनकी क्लीनिंग हो सके, उनकी जो समुद्र है उनमें जो भी एनवायरनमेंट के दुष्परिणाम हैं उन पे काबू पाया जा सके, मैरीटाइम रिसोर्सेज यानी समुद्री संसाधन जो हैं उनको अच्छा किया जा सके। तो ये कर रहा है साथ मिलके UCSBMSI और साथ में इसके होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो आंसर है UCSBMSI। अगला सवाल, इनमें से वो कौन से चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई? तो आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, इनको शपथ दिलवाई अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर, और चीफ जस्टिस का नाम है जॉन रॉबर्ट्स। इनमें से हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट, ध्यान से सुनिए सवाल को, एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन के लिए जो भी कंडीशंस हैं वो मिलती हैं, ये हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट है और इसको स्टडी किया है एस्ट्रोनॉमर स्टीफन केन ने। तो आपको बताना है इसका नाम। एक्सोप्लैनेट होता है जो सूरज के चक्कर नहीं लगाता है, सूरज की ऑर्बिट में नहीं होता है लेकिन दूसरी ऑर्बिट्स में होता है, और इस पे भी जीवन संभव है, और ये 14 प्रकाश वर्ष यानी 14 लाइट ईयर्स की दूरी पे है धरती से, और इसका नाम है वुल्फ 1061C। सो वुल्फ 1061C। इनमें से कौन सी एसोसिएशन है जिसके मेंबर्स जो स्टेट्स हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, आपस में ये स्टेट आपसी सहयोग करेंगे स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज सेक्टर SME की ग्रोथ के लिए? तो ये जो MOU साइन हुआ है ये हुआ है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन द्वारा, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन यानी IORA, और इसमें 5 देश हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है इसमें 5 कंट्री हैं और इन्होंने आपस में ये आपसी सहयोग के लिए साइन किया है। इनमें से कौन सी जगह है जिसने ये कहा है कि इंडियंस को जो वीज़ा फ्री फैसिलिटी थी वीज़ा ऑन अराइवल वो नहीं दिया जाएगा? तो ये देश है हांगकांग, और ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना ने नाराज़ होकर ये किया है। ये हांगकांग जो है ये चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, यहाँ पे पहले वीज़ा फ्री फैसिलिटी थी इंडियंस को, लेकिन अब यहाँ पे आने से पहले ही इंडियंस को वीज़ा लेना पड़ेगा, यानी वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी बंद कर दी गई है। इस्कॉन का गोवर्धन इको विलेज जो वाड़ा तालुका में है थाने महाराष्ट्र के, उसे अभी अभी एक अवार्ड दिया इनोवेशन के लिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी NGOs में इनोवेशन के लिए कौन सा अवार्ड मिला है इन्हें, उस अवार्ड का नाम क्या है? इस अवार्ड का नाम है यूनाइटेड नेशंस का WTO अवार्ड, UNWTO अवार्ड इन्हें दिया गया है, यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड इन्हें मिला है, क्योंकि इन्होंने जो पर्यटन है खासकर उसके अंदर इनोवेशन किया, और ये मैड्रिड जो स्पेन की राजधानी है वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था ये कॉम्पिटिशन, सस्टेनेबल टूरिज्म की कैटेगरी में इन्हें ये अवार्ड मिला है, UNWTO अवार्ड। 2017 के कौन से महीने में उड़ान स्कीम का पहला फ्लाइट चालू हो जाएगा? उड़ान स्कीम कब से काम करेगी? उड़े देश का आम नागरिक, तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडाइज एयर टिकट्स प्रोवाइड कर रही है, उड़े देश का आम नागरिक 2017 में ये अपनी पहली उड़ान भरेगी उड़ान स्कीम के तहत। हमारे जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं JS कहर, उनके अलावा वो व्यक्ति और कौन है जिसने ये कहा कि जो कैनन लॉ है और जो डाइवोर्स है, जो एक्ट लेस एटीएकल ट्रिब्यूनल्स या चर्च कोर्ट देते हैं वो भारतीय संविधान के तहत नहीं है, भारतीय कानून के तहत नहीं है? कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जो अपने खुद के कानून बनाते हैं डाइवोर्स से रिलेटेड, जो कार्डिनल्स जिन्हें बोलते हैं, जो पादरी होते हैं चर्च के अंदर, फादर जिन्हें कहा जाता है, चर्च कोर्ट जो होते हैं उनकी कोई वैधता नहीं है, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, तो ये किसने कहा? तो एक ये जो बेंच था इसमें एक तो थे हमारे चीफ जस्टिस JS कहर और दूसरे थे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सो आंसर है DY चंद्रचूड़। गैम्बिया देश के नए राष्ट्रपति कौन है? गैम्बिया अफ्रीका का देश है, इसके नए राष्ट्रपति हैं एडम बैरो। इनमें से कौन सा UN का काउंसिल है जिसने
एक रेजोल्यूशन अप्रूव किया है जिसमें याया जमे जो 1994 से इस देश के अंदर राज कर रहे हैं उन्हें इस्तीफा दिलवाया गया और नए प्रेसिडेंट जो बने हैं एडम बैरोन को सपोर्ट किया गया। तो ये कौन सी यूएन काउंसिल ने कहा? तो ये कहा यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस देश में राज कर रहे थे याया जमे 1994 में जब इन्होंने तख्ता पलट किया था तब से लेके अब तक। इनमें से कितना अमाउंट है जो सीईपीआई ने रिसीव किया जिससे तीन ऐसे भयंकर रोग उनके खिलाफ जो दवाइयां बनेंगी ये पैसा उसमें खर्च होगा? तो ये जो पैसा है ये है $460 मिलियन जिसे सीईपीआई खर्च करेगी। सीईपीआई एक पब्लिक प्राइवेट अलायंस है जो डिजीज से लड़ने के लिए काम करती है। और ये तीन डिजीज कौन से हैं ये भी पूछ सकते हैं, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दूसरा है लस्सा फीवर और तीसरा है निपा वायरस। तो मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे, आप बस अमाउंट याद रख लीजिए वो है $460 मिलियन। इनमें से कौन सा देश है जिसने सक्सेसफुली लॉन्च करी है सैटेलाइट अपनी GEO-3 सैटेलाइट और इसमें रॉकेट भी था साथ में, इस रॉकेट का नाम है एटलस द फिफ्थ। और ये जो सैटेलाइट है ये मिसाइल्स को अंतरिक्ष से ही ख़त्म कर सकती है, तो इसको लॉन्च किया अमेरिका ने, यूएसए ने। इसराइल की वो कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, शील्ड है, जो अब ऑपरेशनल हो गई है यानी वर्क में आ गई है, इसका काम स्टार्ट हो गया, इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? इसराइल की है ये बैलिस्टिक मिसाइल और इसका नाम है एरो थ्री। और एक मिसाइल और है इसराइल की जो न्यूज़ में आती है वो है बैरक मिसाइल, भारत और इसराइल ने मिलकर बनाई है, बैरक 8। इनमें से कौन सी रिसर्च एजेंसी है जिसने सक्सेसफुली अपना ऑर्बिट प्लेन जो है उनको इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे भी मैनूवर किया, वहाँ तक पहुँचाया मार्स मिशन के तहत, यानी मंगल ग्रह पे जो जाने का जो मिशन है वहाँ पे इनकी जो सैटेलाइट्स हैं या इनके जो भी क्राफ्ट हैं उन्हें पहुँचाया गया मार्स मिशन के तहत, ऑर्बिट प्लेन में मैनूवर किया गया मंगलयान को, तो इसको हम बोलते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो आंसर बहुत सिंपल है, वो है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 सीमेंट कंपनियों पर कितनी पेनल्टी लगाई है क्योंकि ये ढंग से काम नहीं कर रहे थे, आपस में कार्टेलाइजेशन कर रहे थे, कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे, इसके लिए कितनी पेनल्टी 7 सीमेंट कंपनियों पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाई है? ये पेनल्टी है 206 करोड़। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसमें जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट इत्यादि। सो आंसर है 206 करोड़। उस इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी का क्या नाम है जिसने 6 FDI प्रपोजल पास किए हैं और टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट है 1187 करोड़? तो इस बॉडी का नाम जिसने FDI प्रपोजल को अप्रूव किया है इसका नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB। इनमें से कौन सी स्कीम के तहत कोऑपरेटिव बैंक्स भारत में डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये कौन सी स्कीम के तहत है? ये स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम, यानी आंसर है फर्स्ट, PMGKDS। गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव बैंक्स को ये कहा है कि वो इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकें, तो ये आपको याद रखना है। केंद्र सरकार ने अभी तक टोटल 60 करोड़ से ज़्यादा रुपये प्राइज मनी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लगभग 4 लाख कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को और 21,000 व्यापारियों को। तो 2 लकी ड्रॉ स्कीम निकाली थी, तो इनमें से वो कौन सी स्कीम है? और ये 2 स्कीम थी, लकी ग्राहक योजना और डीजी धन व्यापार योजना। तो डीजी धन व्यापार योजना और ये दोनों स्टार्ट की गई थी, अगर आप कैशलेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको लकी ड्रॉ के तहत प्राइज मिलेंगे। तो अगला सवाल एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और वो है सेंट्रल एंड स्टेट स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी COSSO का 24वां अधिवेशन कॉन्फ्रेंस अभी अभी कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में। सो आंसर है नागपुर। और इसका थीम क्या था? अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, तो इस बार इसका थीम था एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यानी कृषि और किसानों का विकास। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट 1971 के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने स्टेटहुड 21 जनवरी 1972 को अडॉप्ट नहीं किया था? ये अभी अभी न्यूज़ में आया था इसलिए पूछ सकते हैं। तो 21 जनवरी को
कौन सा राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है जो अपना स्टेट हुड डे नहीं मनाता है, यानी इसको स्टेट का दर्जा 21 जनवरी 1972 को नहीं मिला था, तो ये राज्य है मिजोरम। बाकी त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों को स्टेट का दर्जा मिला था। स्टेट हुड डे मनाते हैं अपना 21 जनवरी को मनाते हैं, 1972 को इन्हें स्टेट हुड का दर्जा मिला था। अभी अभी 11वां एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2016 हुआ है, इसके हिसाब से जो बच्चे हैं, टू व्हाट परसेंट हैज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास थ्री हु आर एबल टू रीड एंड राइट इंक्रीज फ्रॉम 40.2% इन 2014, यानी 2014 के अंदर क्लास तीन के कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ और लिख सकते हैं, इनका नंबर पहले था 40.2%, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से अब इनका नया नंबर क्या है, इनका नंबर है 42.5%। और जो एनरोलमेंट है उसमें भी इंक्रीज हुआ है, लगभग जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट पहले था 96.7% 2014 में, और 2016 में ये हुआ 96.9%। इनमें से कौन सा मूवी थिएटर ग्रुप है जिसने अपनी एक नई सर्विस लॉन्च करी है जिसका नाम है वकाओ, VKAAO, और इस सर्विस में ये है कि आप जो उपभोक्ता हैं जो पिक्चर देखने जाते हैं वो अपनी मर्जी का शो एक बुक कर सकते हैं जो भी फिल्में लगी हैं उनके अंदर से, तो बेसिकली एक बुकिंग की सुविधा है ये, इसका नाम है VKAAO। 50 से 60 टिकट मिनिमम लेकिन खरीदनी पड़ेंगी तो शो कन्फर्म हो जाएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी वो इसमें इन्वाइट कर सकते हैं। ये VKAAO स्कीम स्टार्ट करी PVR सिनेमाज ने, और PVR सिनेमाज के जो मालिक हैं उनका नाम है अजय बिजली। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन का नया हेड किसे बनाया गया है? फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, ये एक यूनाइटेड नेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज इसे रेगुलेट करती है, और 5 मेंबर कमीशन है। इसके पैनल में अजीत पाई जो भारतीय मूल के हैं इन्हें बनाया गया है इसका हेड। इनमें से कौन सा राज्य है जो खुले में शौच होती है, लोग जाते हैं, 100% फ्री, ओपन डिफिकेशन फ्री हो जाएगा मार्च 2017 के एंड में, तो ये राज्य है केरल। और जो केरल के गवर्नर है पी सतशिवम, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि केरल 100% ओपन डिफिकेशन फ्री हो जाएगा मार्च 2017 तक। और एक किताब भी इन्होंने रिलीज़ करी, द बुक ऑन इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको ऑथर किया है डॉक्टर MI सादुल्ला ने। तो अभी अभी एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी, और इसको साइन किया सुरेश प्रभु ने। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो बनेगा उसमें आपको ये बताना है कितना पैसा खर्च होगा। इसमें जो एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और उसमें $5 लाख का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है यूनेस्को द्वारा। और एक ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट हंड्रेड्स इन द सक्सेसफुल रन चेजेस इन वन डे, यानी कि एक दिवसीय मैचों के अंदर जब हम चेज कर रहे होते हैं, यानी जब हम सेकेंड नंबर पे बैटिंग कर रहे होते हैं, पहले टीम ने हमें टारगेट दे दिया होता है, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा हंड्रेड्स बनाने का रिकॉर्ड किसका है? रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट हंड्रेड इन द सक्सेसफुल रन चेजेस, कहने का मतलब जब कोई टीम दूसरे नंबर पे बैटिंग करती है और मैच जीत जाती है क्योंकि वो सक्सेसफुल रन चेज कर पाती है, उसमें सबसे ज़्यादा वन डे हंड्रेड स्कोर करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये रिकॉर्ड बनाया है ABD Villiers ने, और इनकी जो फॉर्म है वो भी बहुत अच्छी हो गई है दोबारा, लेकिन कप्तानी इनसे चली गई। आपको ये बताना है ABD Villiers ने जब कप्तानी छोड़ी तो उसकी जगह साउथ अफ्रीका का कैप्टन कौन बना था? तो ये आज का है तीसरा क्वेश्चन। इसरो एक साथ कितनी सैटेलाइट छोड़ेगा? ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, इससे पहले किसी ने इतनी सैटेलाइट नहीं छोड़ी है। फरवरी के पहले हफ्ते में वर्ल्ड रिकॉर्ड सैटेलाइट इसरो लॉन्च करेगा। टोटल नंबर आपको बताना है, ये नंबर है 103, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें मैं कुछ आपको चीजें बता देता हूं, इससे पहले नासा ने सिर्फ 29 सैटेलाइट छोड़ी थी 2013 में, जो रिकॉर्ड था। फिर ये रिकॉर्ड तोड़ा रशिया ने 37 सैटेलाइट छोड़ी थी 2014 में, और अब इंडिया का इसरो का ये प्रोजेक्ट, और 103 सैटेलाइट, यानी कि आप देख सकते हैं 37 के 3 टाइम से भी ज्यादा, और दूसरी बात 3 टाइम से थोड़ा सा कम, लेकिन लगभग 3 गुना कह सकते हैं। और एक और चीज पूछेंगे आपसे, PSLV C-37, ये है वो जो कैरियर होगा सैटेलाइट को लेके जो उड़ेगा वो है PSLV C-37, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और कौन से सेंटर से ये लॉन्च करेगा ये भी पूछ सकते हैं। तो ये लॉन्च करेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। इनमें से कौन से मशहूर कवि हैं जिन्होंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो 10th एडिशन ये हुआ उसकी आधारशिला रखी यानी उसको लॉन्च किया इनॉग्रेट किया। 20 जनवरी से ये स्टार्ट हो गया जयपुर में जो लिटरेचर फेस्टिवल है और इसमें 250 से ज़्यादा ऑथर हिस्सा लेंगे। और इसके अलावा वहाँ पे सदगुरु जग्गी वासुदेव और सीएम वसुंधरा राजे भी थीं। तो ये लॉन्च किया गुलजार साहब ने और इसका थीम था इस बार द फ्रीडम टू ड्रीम इंडिया एट 70 द फ्रीडम टू ड्रीम। ये था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का थीम। इनमें से प्रो रेसलिंग लीग 2017 का खिताब किसने जीता? प्रो रेसलिंग लीग का खिताब जीता पंजाब रॉयल्स ने और इन्होंने हरियाणा को हराया जो फेवरेट्स कहे जा रहे थे क्योंकि हरियाणा के जो रेसलर हैं बहुत अच्छे हैं लेकिन सरप्राइजिंगली पंजाब रॉयल जीत गए। बहुत क्लोज रहा फाइनल 5-4 से टोटल मतलब जो स्कोर है पंजाब का वो रहा हरियाणा के अगेंस्ट 5-4। तो हरियाणा पूरे टूर्नामेंट में अनडिफिटेड था लेकिन आखिर में पंजाब आगे निकल गया। और ऊबर जो कंपनी है टैक्सी एग्रीगेटर जो कंपनी है टेक्नोलॉजी कंपनी तो ऊबर अमरीकी सरकार को कितना पैसा देगी? एक उनका लॉ सूट है एक केस है एग्जैग्रेटेड प्रोस्पेक्टिव अर्निंग यानी जरूरत से ज़्यादा आय दिखाने का संपत्ति के मामले में जो केस चल रहा है उसको सेटल करने के लिए ऊबर देगी अमरीका की सरकार को $20 मिलियन। उस अमरीकी फिल्म कंपनी का नाम बताइए जिसने $1 बिलियन जिसमें फंडिंग मिली है चाइना की दो कंपनियों से जिसके अंदर। तो ये जो चाइना की कंपनी है ये है शंघाई फिल्म ग्रुप और हुआ हुआ मीडिया। इन्होंने अमेरिका की पैरामाउंट पिक्चर्स के अंदर $1 बिलियन यानी कि 6700 करोड़ रुपए का कैश इन्फ्यूज किया है कैश दिया है। उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए मोबाइल ऐप टूलकिट का जिसे गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने खरीद लिया है और ये एक ट्विटर बिजनेस ये है टूलकिट ट्विटर के में स्पेशलाइज्ड है ये। तो गूगल ने खरीदा है फैब्रिक को एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कौन सी इनमें से स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनी है जिसे IRDA से अप्रूवल मिल गया है? इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कह दिया है कि अब ये भारत में इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है इसका नाम है लॉयड और ये मुंबई में अपनी पहली ब्रांच खोलेगी। उस एस्टेरॉयड का क्या नाम है? एस्टेरॉयड होता है कोई तारे जैसा, तारा नहीं लेकिन तारे जैसा, हमारे स्पेस में अंतरिक्ष में तारे जैसी कोई अगर बॉडी होती है उसे एस्टेरॉयड कहते हैं। एस्टर मतलब बॉडी स्टार लाइक और ऑयड मतलब बॉडी और एस्टर मतलब स्टार लाइक। तो ऑयड अगर किसी भी शब्द के पीछे ऑयड लगता है तो उसका मतलब होता है उसके जैसा। तो एस्टर मतलब स्टार और ऑयड मतलब जैसा तो एस्टेरॉयड। और ये नासा ने के एक्सप्लोरेशन जो मिशन है उसने इसे अप्रूव किया है यानी नासा ने कह दिया है कि इस एस्टेरॉयड को देखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है 16 साइक। इनमें से किस व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए एक एंडेंजर्ड स्पीशी एक मौत होता है उड़ने वाला कीड़ा तो एक उड़ने वाला कीड़ा है उसकी एक ऐसी प्रजाति है जो लुप्त होने के कगार पे है यानी एंडेंजर्ड स्पीशी है IUCN के हिसाब से। उस मौत का उस कीड़े की प्रजाति का नाम एक व्यक्ति को सम्मानित देने के लिए उसके नाम पे रख दिया है। तो ये किसके नाम पे किया गया है? तो ये रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो कीड़ा है इसका जो इसके जो बाल है शरीर पे वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के बालों जैसे हैं। और अगला सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ की ग्रीन क्लाइमेट फंड जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करती है उसे अमरीकी सरकार ने कितना पैसा दिया है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 3 दिन के बाद? यह पैसा अमेरिका ने इसे दिया है $500 मिलियन $500 मिलियन दिया है इस कंपनी को। इनमें से किसने रिलीज की किताब जिसका नाम है इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल्स 2017? इस किताब को लॉन्च किया गया जेपी नड्डा द्वारा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और ये जो किताब है ये हमारी जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करेगी। और इंटरनेशनल गारमेंट फेयर जो नई दिल्ली में हुआ इसका इनॉग्रेशन किसने किया, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया, अब ये गारमेंट फेयर है यानी कपड़ों की बात हो रही है, तो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी ने। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ कैबिनेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्रूव कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए?
तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये कंट्री है सर्बिया, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड और सर्बिया के एक बहुत फेमस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इतना ही नहीं, एक खिलाड़ी और हैं एना इवानोविच जिन्होंने अभी अभी संन्यास लिया है, दोनों टेनिस के खिलाड़ी हैं। और इनमें से कौन सा कंट्री है जिसके साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए हमने एक एमओयू साइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी क्योंकि ये हमें हैकिंग से कंप्यूटर के अटैक से बचाती है, तो ये कंट्री है वियतनाम जिसकी राजधानी है हनोई। इनमें से कितना अमाउंट है जो नागालैंड हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन किया है, नागालैंड में इसमें 6 लाख लोग बेनिफिट होंगे, नेशनल हेल्थ मिशन इसे करवाएगा, अमाउंट है $48 मिलियन। तो ये थे इस हफ्ते के बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और चौथे हफ्ते का पहला पार्ट कुछ ही घंटों में आप तक आ जाएगा। अब ये वीडियो बिल्कुल लेट नहीं होंगे और उसमें इमेजेस भी होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।